हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बाय शिखा अग्रोल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल के लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे आपको मैंने 7 to 8 रिएक्शंस लिखवाई थी, तो जिसमें मैंने आपको पहले न्यूक्लियोफिलिक करवाई थी, उसकी टाइप्स करवाई थी। अब न्यूक्लियोफिलिक की फर्दर आपके पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम आज स्टडी करेंगे। कल आपको मैंने 7-8 रिएक्शंस करवाई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, आज उसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, SN1, SN2। अब ये SN1 क्या होती है रिएक्शन, दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जहाँ पे जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किसी एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आपको याद होगा रेट इक्वल्स टू के ऑफ, अगर एक की पावर एक पे डिपेंड करेगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और अगर रेट हमारा दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा या फिर दो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो यहाँ पे ऑर्डर 1+1 2 आएगा और यहाँ पे ऑर्डर 1 आएगा। तो दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का मतलब। अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे, एंड अगेन ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है एग्जाम में। कभी कभी डिफरेंस आता है, कई बार इसका मैकेनिज्म पूछा होता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट SN1 रिएक्शन के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दिस SN1 रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर मीडियम। SN1 रिएक्शन जो होती है इसके लिए हमें पोलर मीडियम चाहिए, उसके बाद टर्शरी अल्काइल हैलाइड चाहिए, मतलब जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन आगे, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा। तो इनकी प्रेजेंस में हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। This reaction occurs in 2 steps. ये जो reaction है ये 2 step में होती है। Step 1, formation of carbocation. आपको भी ऐसे ही पेपर में step by step करके आना है। पहले स्टेप में आप करोगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इस स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हमने अभी पढ़ा अल्काइल हैलाइड चाहिए, तो लेट से मैंने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया जो टर्शरी, लेट से मैंने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया जो टर्शरी है, तो इस टर्शरी के साथ हमारे पास सबसे पहला काम होगा इस ग्रुप का लीव करना, जिसके कारण यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन और Cl नेगेटिव जो है वो बाहर चला जाएगा, एंड दिस विल बी योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बिकम्स स्मॉलर एज द रिमूवल ऑफ क्लोरीन और X एटम इज इजी बिकॉज ऑफ
थ्री आर ग्रुप्स और इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप्स. दिस एनर्जी comes from the energy released due to the attraction between the x negative and positively charged and polar solvent. जो polar solvent है उसके साथ ये chlorine bond बनाएगा जिसके कारण ये bond जल्दी break हो जाएगा. तो ये है step number one जहाँ पे आपके पास होती है formation of carbocation. जब तक step one नहीं होता तब तक step two भी नहीं हो सकता. रिएक्शंस लिखते टाइम एरो का ध्यान रखिएगा और मेक श्योर कि कोई भी चीज़ ऊपर नीचे मत करना. आफ्टर दिस स्टेप नंबर टू, अब क्या होगा, जो कार्बोकेटाइन बना हमारा उस कार्बोकेटाइन के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा. तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पे और हमारे पास है प्रोडक्ट फॉर्मेशन. दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्मेशन और ये स्टेप आपका जो है फर्स्ट स्टेप के कंपैरिजन में फास्ट होता है. सो ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है. रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इसका जो रिएक्शन रेट है. Rate of SN1 mechanism depends upon the concentration of alkali halide only. किस पे डिपेंड करेगी कंसेंट्रेशन, ये RX मतलब अल्काई हलाइड के ऊपर ही डिपेंड करेगी इसकी जो रेट है. बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. सो एज दिस स्टेप इज लोएस्ट so this is the only reactant on which rate of reaction depends. आपको याद होगा जब हमने chapter number 4 study किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था particularly कि अगर हमारे पास एक ही reaction दो या दो से ज़्यादा steps में होता है तो उसमें से जो step slow होता है mechanism में उस slow step के ऊपर rate of reaction depend करता है. similarly अब यहाँ पर है ये slow step है, ये fast step है, तो हमारा जो reaction है वो किस पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, इसकी कंसेंट्रेशन के ऊपर जिसको मैंने RX लिखा है यहाँ पे. तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन RX. तो ये सिर्फ एक ही है रिएक्टेंट, राइट, इसलिए हमारे पास ये जो है SN1 है रिएक्शन. अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन. सबसे पहला करैक्टरिस्टिक ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिंग अल्काइल हैलाइड टूवर्ड्स द SN1 रिएक्शन इज टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी. सबसे फास्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो रहती है टर्शरी में. टर्शरी अल्काइल हैलाइड जल्दी प्रोडक्ट बनाता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. प्राइमरी में SN1 होती नहीं है. उसके बाद सेकेंड रिक्वायर्ड कंडीशन आपको मैंने बताई थी, पोलर मीडियम इज नीडेड. ये था सेकेंड करेक्टरिस्टिक. थर्ड करेक्टरिस्टिक है ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर एट डिफरेंट टाइम. बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रही है, दोनों चीज़ें अलग अलग टाइम पे हो रही हैं, एक ही टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो रही. पोलर मीडियम, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वन मोर थिंग योर टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड. ये सारी चीज़ें बताती हैं करैक्टरिस्टिक SN1 रिएक्शन की. इसके अलावा जो फोर्थ करैक्टरिस्टिक है वो है वीक न्यूक्लियोफाइल कैन कैरी आउट दिस रिएक्शन बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ओनली कंबाइंस विद टर्शियरी कार्बोकेटाइन. तो यहाँ पे आप वीक न्यूक्लियोफाइल भी यूज़ करोगे तो भी आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटाइन है तो इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी. ये थे करैक्टरिस्टिक्स SN1 रिएक्शन की. अब मैं बात करूँगी SN2 मैकेनिज्म की. सो SN2 जो है हमारे पास दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सो दिस मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ This mechanism is applicable in case of primary alkyl halides. This mechanism occur in only one step. पीछे वाला two step में था, ये one step में है.
इट इज कॉल्ड एज अ कंसनट्रेटेड मैकेनिज्म। इसका जो मैकेनिज्म है कंसनट्रेटेड है, ऐसा हम इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें हो जाएगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी और बॉन्ड ब्रेकेज भी। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इन दिस मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द रियर साइड और बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड एंड लिविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम द फ्रंट साइड। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ये है आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स SN2 रिएक्शन के, क्या क्या फीचर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं SN2 रिएक्शन में सेकेंडरी, देन टर्शरी और सबसे कम जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। तो सबसे कम प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो टर्शरी केस में होती है, इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे, दिस इज योर हाइड्रोजन, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फ्रंट, दिस विल बी योर बैक साइड। आपको ये वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड पता है, प्लस वन में किए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर लिंक आ रहा है आइकन पे, वहाँ से आप प्लस वन के टॉपिक में से अपने फिर से पुराना प्रीवियस टॉपिक कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास है क्लोरीन, तो आप देख सकते हो ये एक आपके पास प्राइमरी अल्काइलाइड है। तो प्राइमरी अल्काइलाइड में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज, ये कार्बन की बैक साइड से अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी अटैच रहेगा कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन है अपवर्ड चलेंगे, एक हाइड्रोजन नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया क्लोरीन। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट को आपने हमेशा इस स्क्वायर बॉक्स में लिखना है जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये कुछ टाइम के लिए स्टेबल है और उसके बाद इसमें से फिर क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, माइनस क्लोरीन, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। इस साइड आएगा न्यूक्लियोफाइल, देन वी गेट हाइड्रोजन, एक इस साइड हाइड्रोजन आ जाएगा। थ्री डायमेंशन देखें तो ये की, तो ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन स्टेप रिएक्शन है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन है आपका SN2, अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका जो रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, RX के ऊपर भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी करेगा, जिसके कारण ये जो रिएक्शन है ये SN2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो रेट डिपेंड करेगा। और ये जो रिएक्शन है ये नॉन पोलर मीडियम में होगी, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। एक आपका ये रिएक्शन आ गया, दोनों पे डिपेंड करेगा। आफ्टर दैट एक आपने ऑर्डर पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्काइलाइड जो है वो SN2 रिएक्शन फॉलो करते हैं, एंड जो फोर्थ आपका है कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज अकर्स एट द सेम टाइम। सो आई होप आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म कवर हो चुके हैं। और अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक देती हूँ, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 टाइप रिएक्शंस। ये टॉपिक मैं स्लो इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज इस टॉपिक में आपको ज़्यादातर मैकेनिज्म आता ही है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने और इसका डिफरेंस लिखना है, बिकॉज इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपके मैंने इस वीडियो के लास्ट में अपलोड किए हैं उनमें आपने यही बताना है कौन सी रिएक्शन में SN1 फॉलो होगा, कौन सी रिएक्शन में SN2 फॉलो होगा, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जहाँ पे आपको रिएक्टेंट्स दिए हुए और बताया गया है। राइट डाउन द मैकेनिज्म एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। तो आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन रिवाइज दिस एंड डोंट फॉरगेट टू share my channel with your friends. Thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, keep learning.